नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की स्पीच तो सुनी होगी। जब वो बोलते हैं तो विरोधी खेमा अपना हाथ सिर पर रख लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता आखिर जवाब दें तो क्या जवाब दें, वो सोच में पड़ जाते हैं। ऐसा पंचिंग डायलॉग राहुल गांधी आखिर लाते कहां से हैं? तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल MSP हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। मंत्री को सपोर्ट करता था, जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15% से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है, मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। सर, जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे यह करना है, सर वो हटो जाओ अभी। मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक OBC अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। एक तरह से देखा जाए तो राहुल की स्पीच से BJP के आला नेता हलकान है। स्थिति तो ये हो गई है, जब राहुल गांधी बोलते हैं PM मोदी अब गायब नजर आने लगे हैं, और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया, मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। सर मैं, अरे सर इसमें क्या गलती है सर? एक बात बताइए, ऐसे में सवाल है, राहुल गांधी के इस तेवर को सबके सामने शब्दों में लाने वाला आखिर कौन है, जिससे BJP हलकान है? कौन कौन है राहुल गांधी की टीम का हिस्सा, जिसमें एक स्क्रिप्ट राइटर ऐसा है जो राहुल की स्पीच को लिखते हैं तो BJP को पसीना आने लगता है? राहुल की स्पीच को आकार देने में किसकी है अहम भूमिका? आखिर कौन लिखता है राहुल गांधी का भाषण संसद में, जिसके दम पर राहुल BJP को कर रहे हैं परेशान? दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की स्पीच की चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। एक तरह से राहुल की स्पीच के बाउंसर BJP के सर्वमान्य चेहरे की हालत खराब कर रहे हैं। सदन में भी उनके दिए भाषण की तारीफ हो रही है। वो लगातार केंद्र से अपने ही अंदाज में सवाल करते जा रहे हैं। विपक्ष के नेता के रूप में चुने जाने के बाद राहुल गांधी की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब उन्हें कई विषयों पर विपक्ष के दृष्टिकोण का नेतृत्व करने और पहल करने की आवश्यकता होती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में राहुल गांधी की टीम को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें राहुल गांधी की स्पीच राइटर भी हैं। ऐसे में आइए जानते हैं
कि उनकी टीम के बारे में जो पर्दे के पीछे से राहुल गांधी की हर जिम्मेदारी को संभालते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के गठन के पीछे खड़गे की ताकत रही है। संसद सत्र के दौरान वो अपनी टीम की मदद से विपक्ष के लिए फ्लोर रणनीति को अंतिम रूप देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व कर्मचारी अलंकार सवाई कई वर्षों से राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। वह गांधी की आंखें और कान हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए आखिरी अनुमति इन्हीं से लेनी होती है। चलिए राहुल की टीम के अहम एक हिस्से के बारे में आपको बताते हैं, जिसके बिना इस वक्त राहुल गांधी अधूरे हैं, जिनके शब्दों ने राहुल के विरोधियों की हालत पतली कर दी है। राहुल के स्क्रिप्ट राइटर हैं कौशल विद्यार्थी। कौशल बिहार के रहने वाले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की है। कौशल विद्यार्थी राहुल गांधी के बेहद करीब हैं। 2019 में विद्यार्थी राहुल गांधी के आधिकारिक निजी सचिव बने। वो ज़्यादातर संसद सत्र या यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं। वो राहुल गांधी और अन्य राजनीतिक नेताओं के बीच की कड़ी हैं। कौशल ही राहुल गांधी के भाषण को तैयार करते हैं। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी 2004 से लेकर 2019 तक संसदीय सफर में बगैर निजी सचिव रहे। 2019 में राहुल गांधी ने अपने पीए कौशल विद्यार्थी को पीएस बनाने के लिए आवेदन किया था। 2019 तक राहुल गांधी ने किसी को अपना पीएस नियुक्त नहीं किया था। जरूरत पड़ने पर अपनी माँ सोनिया गांधी के पीएस राजवीर सिंह का सहारा लिया करते थे। राहुल गांधी के दफ्तर में कौशल को कम बोलने वाला, मधुरभाषी, सबसे ज्यादा व्यवहारिक और चीजों को सबसे जल्दी समझने वाला माना जाता है। सादगी से रहने वाले कौशल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वदेश लौटकर राहुल गांधी से जुड़ गए। वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर बराबर पकड़ रखते हैं। कौशल की परीक्षा अब संसद में राहुल गांधी के पीएस के तौर पर होगी। ये तो राहुल के शब्दों को अकाल देने वाले शख्स की कहानी हुई। चलिए कुछ और राहुल की टीम से जुड़ी खास बातें आपको बताते हैं। राहुल की टीम में पूर्व एसपीजी अधिकारी केबी बायजू को भी राहुल से जुड़ी अहम जिम्मेदारी मिली हुई है। केबी बायजू 2010 में नौकरी छोड़कर राहुल गांधी की टीम में शामिल हो गए थे। बायजू राहुल गांधी के पूरे लॉजिस्टिक और यात्रा की देखभाल करते हैं। वो राहुल गांधी के लिए दौरों की योजना बनाते हैं। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है। 2017 में वह कांग्रेस के महासचिव बने और गोवा और कर्नाटक जैसे राज्यों की कमान संभाली। उन्होंने कई बार पार्टी को मुसीबत में संभाला है। सुनील कन्नूगोलू ने 2022 में कांग्रेस के लिए काम करना शुरू करा। वो 2024 के लिए कांग्रेस चुनाव टास्क फोर्स का हिस्सा थे। उन्होंने कांग्रेस के लिए कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा जीत और गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रेय दिया जाता है। कांग्रेस के साथ काम करने से पहले वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़े थे। बी श्रीवास्तव राहुल गांधी का सोशल मीडिया देखते हैं। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर क्या लिखेंगे इसको लेकर भी बी श्रीवास्तव से राय देते हैं। वो 2021 में राहुल गांधी की टीम में शामिल हुए थे। तमिलनाडु से 3 बार के लोकसभा सांसद, वर्तमान में लोकसभा में कांग्रेस के संचेतक, अपने युवा दिनों से कांग्रेसी रहे। वो राहुल गांधी के भरोसेमंद क्षेत्र कार्यकर्ता है। वो दक्षिण भारत के इनपुट राहुल गांधी को देते हैं। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गगोई सांसद के रूप में अपने पहले कार्यकाल से ही गांधी के करीबी हैं। गगोई अब संसद के भीतर कांग्रेस की प्रमुख आवाजों में से एक है और उन्हें राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा सालों से गांधी परिवार के करीबी हैं। पित्रोदा ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के बाद कांग्रेस के विदेश विभाग के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। वह अध्यक्ष के रूप में वापस आ गए। पित्रोदा राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को देखते हैं। अमूमन देखा जाए तो टॉप लेवल के नेता अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी करीब 4 साल से इस मिथक को तोड़ रहे हैं। वो अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए जिस तरह का संवाद अब कर रहे हैं, उसका मकसद विरोधियों को आईना दिखाना तो है ही,
साथ ही उसी आईने के जरिए जनता के सामने भी सीधे सरल और सामान्य भाषा में सरकार की परतें एक के बाद एक तरीके से खोल रहे हैं। इसी का परिणाम रहा राहुल गांधी जनता से कम्युनिकेट करने में सफल हो रहे हैं और इसमें उनके स्क्रिप्ट राइटर और निजी सचिव कौशल विद्यार्थी का भी हाथ है। बहरहाल, क्या आप इससे पहले राहुल गांधी के स्क्रिप्ट राइटर के साथ उनकी टीम के बारे में जानते थे? अगर हमसे राहुल की टीम से जुड़ी जानकारी छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में आकर जानकारी जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।